हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, जो कि हमारा टॉपिक है। डेली करंट अफेयर्स में ये 7 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स है। जैसा कि इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस बैंक में सहकारी बैंकों सहित का जब समिति का गठन किया। इसका आंसर है RBI। किस बैंक में शहरी सहकारी बैंकों समिति का गठन किया। इसका आंसर है RBI। विच बैंक कॉन्स्टिट्यूटेड द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कमिटी। इसका आंसर RBI। किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की। इसका आंसर है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की। विच बैंक स्टार्टेड द फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन। इसका आंसर है फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ऊर्जा दीप वाला देश कौन सा बना। इसका आंसर डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का पहला ऊर्जा दीपी वाला देश बना। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। इसका आंसर है डेनमार्क। किस राज्य ने 16.43 लाख किसानों के कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की। इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने 16.43 लाख किसानों के कृषि ऋण को माफ करने की। Which state announced to waive a farm loan of 16.43 lakh farmers? Tamil Nadu. Launch book पुस्तक Yes Man, The Untold Story of राणा कपूर के लेखक कौन है। इसका आंसर पवन सी लाल। लॉन्च पुस्तक Yes Man, The Untold Story of राणा कपूर के लेखक कौन है। पवन सी लाल। Who is the author of the launch बुक यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कुमार। इसका आंसर पवन सी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काइलर कहाँ खुली गई। इसका आंसर है दुबई। विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काइलर दुबई में खुली गई। वेयर इज द वर्ल्डेस्ट लॉन्गेस्ट स्विंग राइड बॉलीवुड स्काइलर ओपन्ड दुबई। किसने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया। इसका आंसर है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया। वो स्टार्टेड द स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडमी इंडिया स्मार्टफोन ब्रांड के नए ऐप ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। इसका आंसर है सोनू सूद। रेडमी इंडिया स्मार्टफोन ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने। वो बिकेम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेडमी इंडिया स्मार्टफोन ब्रांड सोनू सूद। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया। इसका आंसर है बेंगलुरु। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में स्थापित किया गया। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल शेट ऑफ बेंगलोर। लॉन्च पुस्तक रेन विंसन के लेखिका कौन है। इसका आंसर है नताशा मालपानी ओसवाल। लॉन्च पुस्तक रेन विंसन के लेखिका कौन है। इसका आंसर है नताशा मालपानी ओसवाल। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक री इन्वेंशन। नताशा मालपानी ओसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSE दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्कॉट एक्सचेंज बना। इसका आंसर है नोमा। BSE दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्कॉट एक्सचेंज बना। इसका आंसर है नोमा। BSE बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। इसका आंसर है नाइन्थ। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किसे चुना गया। इसका आंसर डॉक्टर रमेश कुमार। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किसे चुना गया। इसका आंसर डॉक्टर रमेश कुमार। हु वाज चूजन फॉर दी डॉक्यूमेंटरी फिल्म इन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। डॉक्टर रमेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका ने किसे वर्ष 2020 में भारत के अंडर 30 सूची में अनाथ बच्चों के काम के लिए सम्मानित किया। इसका आंसर है पोलोमी पाविनी। फोर्ब्स पत्रिका ने किसे वर्ष 2020 में भारत की अंडर 30 सूची में अनाथ बच्चों के काम के लिए सम्मानित किया। पोलोमी पावनी। वाज अवार्डेड फॉर फॉरबर्स मैगजीन फॉर द वर्क ऑफ
ऑर्फेंस इन इंडियाज अंडर 30 लिस्ट इन द ईयर 2020 ओलमी ओलोमी पाविनी। दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को। दक्षिणी वायु कमान के लिए के प्रमुख के रूप में एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ साउथर्न एयर कमांडेड एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। लॉन्च पुस्तक केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 के लेखक कौन है? इसका आंसर तुलसी वत्सल। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935? तुलसी वत्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड, इसको हम IIFL बोलते हैं, इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड इसको IIFL बोलते हैं शॉर्ट में, के नए CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है मनोज सेना है। हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड IIFL? मनोज सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनाथ सिंह ने किस एयर मार्च एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया? इसका आंसर है ये लहंगा। राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड एरो इंडिया एट विच एयरफोर्स स्टेशन येल हंका। किस राज्य में बेकारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की? इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने बेकारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की। इन विच स्टेट स्टार्टेड द प्लान टू रिहैबिलिटेट बेगर्स? इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की। विच स्टेट अनाउंस्ड द ग्रांट ऑफ बुक्स टू स्टूडेंट्स? उत्तराखंड। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में किस शहर में देवी पद्मावती के मंदिर का निर्माण किया गया? इसका आंसर है चेन्नई। इन विच सिटी इन तिरुपति तिरुमला तिरुपति देवस्थान टेम्पल बिल्ट द टेम्पल ऑफ गॉडेस पद्मावती? चेन्नई। किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? इसका आंसर उड़ीसा के बालासोर में। इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड? इन बालासोर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से पेपल ने किस देश में अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद करने की घोषणा की? इसका आंसर भारत। 1 अप्रैल से पेपल ने किस देश में अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद करने की घोषणा की? इसका आंसर है भारत। फ्रॉम अप्रैल 1 पेपल अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ इट्स डोमेस्टिक पेमेंट बिजनेस इन विच कंट्री? इंडिया। लॉन्च बुक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? इसका आंसर है हंटर बिडेन। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक ब्यूटीफुल थिंग्स? हंटर बिडेन। महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 6 फरवरी। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ फीमेल जेनिटल डिफॉर्मिटी क्रोनिक इंटॉलरेंस सेलिब्रेटेड 6 फरवरी। महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रखा गया? इसका आंसर है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसका आंसर, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्रोनिक इंटॉलरेंस? इसका आंसर है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। किस राज्य ने 5 लाख टीकों को पूरा करने वाला राज्य का दर्जा हासिल किया? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। विच स्टेट अचीव्ड द स्टेटस ऑफ स्टेट दैट फुलफिल्स 5 लाख वैक्सीन? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक ब्रांड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया? इसका आंसर वर्ष 2023।
सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट्स इन बाय विच ईयर 2023। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, इसका आंसर 10.5%। आरबीआई एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू बी व्हाट परसेंट इन एफवाई 2021-22, 10.5%। किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने पद से इस्तीफा दिया, इसका आंसर महाराष्ट्र। विच स्टेट असेंबली स्पीकर नाना पटोले रिजाइंड फ्रॉम दी पोस्ट, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया की पहली हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित करने की घोषणा की, इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल, इसको हाल भी बोलते हैं। विच कंपनी अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल इसको बोलते हैं। इस तरीके से हमारा इसमें टॉप 30 क्वेश्चन जो हमारा 7 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स है ये कंप्लीट होता है। और इस तरीके के और डेली करंट अफेयर्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।